बड़ा ये न्यूज़ है, एरॉन फिंच ने ओडीआई क्रिकेट को कह दिया है अलविदा और ले लिया है रिटायरमेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए इतने सालों का खेलने के बाद। अब आज का ये दिन है जहां पर उन्होंने कह दिया दैट इज ओवर। और आपको बता दें 2013 में किया था इन्होंने अपना डेब्यू और 5041 रन बनाए हैं टोटल में और 17 सेंचुरी और 30-50 के बदौलत। और इनका एवरेज भी 39 का है जो ओडीआई में ठीक ठाक का है। ऑस्ट्रेलिया का ओपनर और कप्तान भी रह चुका है ये। और इन्होंने कुछ ऐसा कहा कि इट हैज़ बीन अ फैंटास्टिक राइड विथ सम इनबिलीवेबल मेमोरीज, ये फिंच ने खुद कहा। और ये एक ये बात अब एक तो पैटर्न सा ये एक बन रहा है कि ओडीआई क्रिकेट से खिलाड़ी रिटायरमेंट ले रहे हैं। हमने पहले बेन स्टोक्स को देखा, फिर अब एरॉन फिंच को देख रहे हैं। क्या ओडीआई क्रिकेट संकट में है, ये एक और बार ये सवाल जगता है। लेकिन एरॉन फिंच की आज करनी होगी तारीफ और इन खिलाड़ी के बांधने होंगे पुल, क्योंकि इन्होंने बहुत दिनों से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को चलाया है और बहुत अच्छा करके दिखाया है। तो एरॉन फिंच ऑस्ट्रेलिया के कप्तान वाइट बॉल के कप्तान रह चुके हैं। इन्होंने अच्छे बहुत सारे मैच भी जिताए हैं अपने टीम को और बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन रह चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट में। इनका बहुत अच्छा नाम अपना कमा लिए और इन्होंने आज के दिन ये ले रहे हैं रिटायरमेंट। आज सुबह सुबह इंडियन स्टैंडर्ड किड्स टाइम के हिसाब से ये 6 बजे इन्होंने अपना रिटायरमेंट को किया घोषित। और इन्होंने आपको जैसा मैंने बताया इन्होंने क्या कहा और इनकी बात क्या थी। अगर मैं आपको इनकी करियर की बात बताऊं तो ओडीआई में 145 मैचेस खेले हैं और इनका हाईएस्ट 153 का है। इन्होंने अच्छा इनका 39 का आपने आपको जैसे मैंने बताया ये 17 शतक लगा चुके हैं, 30-50 लगा चुके हैं और ये T20 और ये ये कप्तान भी रह चुके हैं। ये आपका राइट हैंडर बल्लेबाज जो आईपीएल में भी खेले तो हैं लेकिन उतना अच्छा प्रदर्शन का रहा है नहीं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का ये एक अच्छा खिलाड़ी। इन्होंने रिटायरमेंट को कर दिया इनका घोषित और यही थी एक बड़ी न्यूज़ जो आज आप तक मुझे पहुँचानी थी। और आप देख रहे थे क्रिकेट विद आर्यमन गोयनका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।